उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। इसी कड़ी में वो हिमाचल के पांवटा साहिब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुखराम चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया है। आदरणीय सुखराम जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं पांवटा साहब का मेरा हर भाई बहन बहुत बड़े दिल वाला है, और मेरा कोई भी भाई कोई भी बहन, आज मैं आपके पड़ोस से आया हूं ऐसा लगता नहीं है, जैसा अभी सुखराम जी ने बहुत सारी बात बताई, जैसे चीनी मिल के बारे में बता रहे थे, पुल के बारे में बता रहे थे, तमाम योजनाएं। अभी सवेरे सवेरे मैंने जो है यहाँ डाक पत्थर में बैराज का जब परीक्षण कर रहा था, देख रहा था मैं उसको, तो इधर को सारा पांवटा साहब की तरफ को जब वो बैराज से पानी छूटता है तो सब जो है हमारा हिमाचल में आ जाता है। जहाँ पावर हाउस बना है उसको जाने वाला अगर रास्ता देखे तो उसके किनारे का जो तटबंध है रिवर बैंक वो हिमाचल में है, और पावर हाउस वो उत्तराखंड में है। तो पता ही नहीं लगता कई बार कि कब हिमाचल आ गया और कब उत्तराखंड आ गया। दोनों एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं, हमारा भाई भाई का रिश्ता है। सीमाएं जरूर अलग हैं, सीमाओं का रेखांकन हुआ है प्रशासनिक दृष्टि से, भारत की जो राज्यों की सीमाएं हैं उसकी दृष्टि से। सहदेव कुंडीर जी अभी बता रहे थे, अरविंद गुप्ता जी हमारे जो है बता रहे थे, यहां से जब चुनाव उधर होता है तो सारे के सारे कार्यकर्ता पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर पैकेज लेकर उधर उत्तराखंड की तरफ आ जाते हैं, और जब वहां का चुनाव होता है तो मैं देख रहा था कि अभी गाड़ी में आते आते बात कर रहे थे, इनको सब पता है ये गांव कौन सा है, वो गांव कौन सा है, किस गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, कहां पर मीटिंग हुई है। तो सीमाओं का रेखांकन है लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं है, हमारे दिल मिले हुए हैं। आप सभी के समक्ष पांवटा साहब विधानसभा से हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुखराम चौधरी जी को विजय बनाने का आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे आया। जिस प्रकार से आपने सारे चुनाव में, पिछले 2017 के चुनाव में 12,000 से भी ज्यादा मतों से इस विधानसभा से आपने सुखराम जी को चुनाव जिताकर भेजा था, और उसका परिणाम है ये अभी गिना रहे थे, समय की कमी है क्योंकि मुझे आगे जाना है, नहीं तो ये गिनाते गिनाते रहते तो कई घंटे बीत जाते, लेकिन यहाँ के विकास कामों की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं होती। एक बार और मैं आप सबके इस उत्साह को देखकर कह सकता हूँ, आपकी यहाँ पर उपस्थिति को देखकर कह सकता हूँ, इतनी बड़ी में हमारी माताएं बहनें आई हैं, बड़े बुजुर्ग आए, नौजवान आए, जो कह रहे हैं एक बार नहीं बार बार सुखराम जी, क्या कह रहे थे, एक बार नहीं बार बार, एक बार एक बार सुखराम जी, बार बार सुखराम जी। तो बार बार जो है सुखराम जी को यहाँ से आप लोग अवश्य जिताएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि एक बार फिर से यहाँ कमल का फूल खिलेगा। जहाँ देवादिदेव महादेव की कृपा से आच्छादित हिमाचल उत्तराखंड में रहने वाले लोगों पर भी हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, भगवान बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहती है, वहां बद्री विशाल की कृपा बनी रहती है, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे अनेकों धाम उत्तराखंड के अंदर है, वैसे ही हिमाचल के अंदर जहां मणिमहेश है, हिडम्बा मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है, माँ चिंतपूर्णी मंदिर है, अनेकों ऐसे स्थान है, माँ चामुंडा का स्थान है, अनेकों स्थान अनेकों तीर्थ स्थल है। यहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आज बहुत मजबूती से काम कर रही है, एक नया भारत गढ़ने का काम, एक नया भारत बनाने का काम, एक शिल्पी की तरह आधुनिक भारत का निर्माण करने का काम मोदी